सीकर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज सीकर कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए हाल ही में राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए बजट को सीकर जिले के लिए छलावा बताया। उन्होंने कहा कि यातायात के दबाव के चलते पूरे दिन शहर जाम रहता है। नवलगढ़ पुलिया को फोर लेन किया जाना था, निमका थाना को जिला बनाना था, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से पीने के पानी को सीकर तक लेकर आना था, मिनी सचिवालय बनाने जैसे सभी बड़ी घोषणा बजट में नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बजट को आम जनता के हितों का बजट नहीं मानती है। लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा आज मुख्यमंत्री का नाम मार्फत जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया गया है। राज्य मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जो बजट पेश किया गया है, इसमें सीकर जिले की पूर्णतया अनदेखी की गई है। इसको लेकर यहाँ सीकर जिले के समस्त नागरिकों में बड़ा ही रोष है। सीकर जिले की मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, नवलगढ़ पुलिया को फोर लेन करना, नाली में पानी की जो विकट समस्या है उसका समाधान करना, नवलगढ़ रोड पे जो पानी का भराव की समस्या है उसका समाधान करना, कुंभाराम लिफ्ट योजना के तहत शेखावाटी को सिंचाई में पीने के पानी की व्यवस्था करना, सीकर में संभाग मुख्यालय की घोषणा करना आदि हमारी नौ मांगे हैं, जिनकी मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि बजट पर जो चर्चा होगी उसके पश्चात मुख्यमंत्री जब बजट भाषण में अपना जवाब पेश करेंगे तो सीकर जिले को जो हमारी मांग पत्र है उस पर सकारात्मक सोच रखते हुए हमारी मांगों को माना जाएगा। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो भविष्य में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर जिले में बड़ा आंदोलन करेगी। महेंद्र डोरवाल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर। सीकर जिले में वकीलों का आज चौथे दिन भी नई सीकर ग्रामीण तहसील बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वकीलों ने आज सीकर कलेक्ट्रेट से जाट बाजार तक मौन जुलूस निकालकर हाल ही में सीकर शहर से धोद कस्बे में तहसील भवन को स्थानांतरित करने का विरोध जताया। वकीलों का कहना है कि तहसील स्थानांतरित होने से करीब तीन दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि सीकर ग्रामीण नहीं तहसील बनाई जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। सीकर ने हमारा आंदोलन इस बात को लेकर चला हुआ है कि दो तहसील कार्यालय सीकर शहर में संचालित होता है, जिसको आनंद फानंद में ग्राम दोहद में स्थानांतरित कर दिया गया। ये पहले भी हुआ था, जिसपे हमारे कहने थे और जनता की भावनाओं को देखते वापस सीकर में 2015 वापस कर दिया था। अब बिना किसी आधार के उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था जब तक दोहद पंचायत समिति का पुनर्गठन होके सीकर ग्रामीण तहसील और धोद तहसील दो बने उस तब तक यही रहेगा। लेकिन अब मतलब धोद के पास धोद के पंचायत समिति की 35 पंचायत समिति जो सीकर शहर के उत्तर और दक्षिण में है, जो सीकर शहर में रहना चाहती हैं, उनकी भावनाओं के विपरीत जाकर सीकर से धोद तहसील कार्यालय को ग्राम पंचायत धोद में कर दिया गया, जिससे जनता को भारी परेशानी है। इस परेशानी के मुद्दे को लेकर हमने आंदोलन चला रखा है। इस आंदोलन में जब तक ये तहसील पुनर्गठन होकर बनती नहीं है तब तक इस कार्यालय को वापस सीकर से संचालित किया जाए, ये हमारी बेसिक मांग है। और हमारे डेलीगेशन ने कलेक्टर साहब के बुलाव पे जाकर मिलने गया शिष्टमंडल ने, उसका कलेक्टर साहब ने हमारी से बातचीत किए बिना, न हमारी बात सुने बिना हमें प्रताड़ित करते हुए ये कहा कि वो तो धोद में चलेगा, मैंने जो निर्णय कर लिया वो अटल है। इस तरह से ऐसा प्रशासन जो जनता की भावनाओं को एक प्रबुद्ध समाज के माध्यम से सुनने की जहमत नहीं करता है, ऐसे कलेक्टर का हम स्थानांतरण करने की भी मांग हमारी मांग के साथ जोड़ रखी है। इसलिए ये हमारा आंदोलन अनवरत जब तक चलेगा जब तक हमारी ये दोनों मांगे मान नहीं ली जाएंगी। अभिभाषक संघ जिंदा। आज क्या प्रोग्राम रखा आपने? आज प्रोग्राम हमारा मौन जुलूस का है। मौन जुलूस यहाँ से लेकर जाट बाजार जाके वापस धरनास्थल आएगा और यहाँ हमारे सभा में तब्दील हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने आज रैली निकालकर सीकर कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बजट की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसान सभा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि किसानों को इस बजट में कुछ नहीं मिला, यह बजट केवल औद्योगिक घरानों के लिए बनाया गया है। इस बजट में छात्र, युवा, बेरोजगार, किसान, व्यापारी सभी वर्ग दुखी हुए हैं। किसी भी वर्ग को इसमें राहत नहीं मिली है और यह बजट जन कल्याणकारी बजट नहीं है। आम जनता इस बजट से दुखी है। मोदी सरकार ने किसानों की कुर्बानियां लेने के बाद किसानों से जो समझ
समझौते किए थे वे भी आज तक लागू नहीं हुए हैं। जल्दी अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो रांची में श्रम संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। पूरे देश के अंदर केंद्र का जो जनविरोधी बजट है पेश किया है, उसको लेकर आज पूरे देश के अंदर तमाम जनवादी संगठनों ने ये फैसला लिया है कि इस बजट के अंदर केवल कॉरपोरेट्स के लिए फ़ायदा दिया गया है, जबकि तमाम वर्ग, चाहे किसान हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, महिला हो या छोटा व्यापारी हो, तमाम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए पूरे देश के अंदर, सीकर जिले के अंदर भी तमाम जिला हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टरों पे आज तमाम संगठन मिलकर के इस बात की मांग कर रहे हैं। जब कोरोना महामारी की वजह से आम आदमी बेरोजगार हुआ है, महंगाई बढ़ी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र की मौजूदा विधेयक के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये बजट की प्रतियां दलाने का काम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इन वर्गों को लाभ देने की मांग की गई है। उसी के संदर्भ में आज सीकर जिला हेडक्वार्टर भी तमाम जनसंघों के साथ ही इस बात को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि किसानों के 13 माह तक चले आंदोलन जो समझौते के आधार पर समाप्त हुआ है, लेकिन आज भी मोदी सरकार ने उन समझौतों को लागू करने का काम नहीं किया है। इसलिए हम प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों के साथ, किसानों की 700 कुर्बानियों के बावजूद जो आंदोलन के साथ समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू किया जाए। 750 किसान हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए और ऐसे मंत्री का बेटा जिसको कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी इस सरकार ने दी है और उस बेटे ने 4 किसानों को रौंदा और 1 पत्रकार को रौंदा, आज भी जमानत पे घूम रहा है और वो गृह राज्य मंत्री आज भी अपने पद पर बना गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे गृह राज्य मंत्री को तुरंत निलंबित किया जाए और किसानों के हित में इस बजट के अंदर जो प्रावधान कॉर्पोरेट किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए और किसानों को लाभ दिया जाए। सीकर छात्र संगठन NSUI ने आज सीकर कलेक्टर पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए सेना भर्ती कराने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने कहा कि लंबे समय से सेना भर्ती नहीं हो रही है, शेखावाटी के युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं। शेखावाटी हमेशा ही वीर सपूतों की धरती रही है, यहाँ के वायुसेना में भर्ती होने के लिए तत्पर रहते हैं। 2 साल से सेना भर्ती नहीं होने की वजह से लगातार युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शेखावाटी में सेना भर्ती कराई जाए। इसी गहलोत सरकार ने जो बजट दिया है बहुत ही शानदार बजट है और राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू कर बेहतरीन तोहफा दिया है। हमारे अग्रिम संगठन NSUI के छात्रों के द्वारा छात्र अधिकार यात्रा निकाल करके पिछले 2 साल से जो केंद्र की गवर्नमेंट मोदी की जी की जो सरकार है वो सेना में भर्ती नहीं निकाल रही, इसके लिए हमारे NSUI के छात्रों ने छात्र अधिकार यात्रा निकाल करके सेना भर्ती के लिए भर्ती निकालने की मांग की है और केंद्र की सरकार को चेताया है कि शेखावटी की धरती से जब भी कोई आंदोलन जन्म लेता है वो एक उग्र आंदोलन के रूप में अपनी सफलता की ओर अग्रसर होता है। जल्द से जल्द हम मोदी सरकार को चेताते हैं कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती की जो तारीख है वो निकालें और सेना भर्ती करवाएं, नहीं तो ये सीकर से शुरुआत होकर के संपूर्ण हिंदुस्तान में फैलेगा और संपूर्ण हिंदुस्तान में हमारे छात्र संगठन हैं, हमारे छात्र हैं, युवा हैं, वो संसद का घेराव करेंगे। हम जल्दी ही संसद के घेराव की तारीख निश्चित करके हमारा अग्रिम संगठन NSUI जल्दी संसद का घेराव करेगा। हमारे NSUI के छात्रों के द्वारा ये अधिकार यात्रा निकाली गई है और माननीय मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने जो OPS और NPS का जो बड़ा मसला था उसको सॉल्व करते हुए राजस्थान में OPS की व्यवस्था की गई है, पुरानी पेंशन व्यवस्था 2004 से लागू की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सुनीता गठाला, जिला अध्यक्ष, सीकर जिला कांग्रेस कमेटी, राजस्थान। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर सीताराम जी मंदिर में जानकी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के पुजारी सुभाष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकी जन्मोत्सव के तहत गुरुवार को पूरे दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सुबह मंदिर
की विशाल शिखर बंद कलश पूजन एवं स्थापना का आयोजन किया गया, तो वहीं अपराह्न के कस्बे की मातृ शक्तियों द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया एवं शाम को 501 दीपक से महाआरती एवं केक काटकर माता जानकी जन्म उत्सव मनाया गया एवं इसके पश्चात मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान खोरू धाम के महंत बनवारी लाल पुजारी, भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी, पार्षद अमित जोशी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं गणमान्य जन मौजूद रहे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा ने सीटू जिला अध्यक्ष सुभाष नेहरा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी राकेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, स्वाभिमान आयोग के अनुसार समर्थन मूल्य दिया जाए, खंडेला सहित जिले को नहरों से जोड़ा जाए, डीजल पर टैक्स कम किया जाए, आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाने की व्यवस्था हो, बिजली की दाम कम किया जाए सहित अन्य मांगे शामिल है। सीटू जिला अध्यक्ष सुभाष नेहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है, यदि मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सीटू जिला अध्यक्ष सुभाष नेहरा, तहसील सचिव केशाराम धायल, तहसील अध्यक्ष गोपाल सिंह बाजिया सहित अन्य जन शामिल रहे। आज प्रांत स्तर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसान सभा सीआईटी की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के न्यूनतम वेतन 22,000 करने के लिए और हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, इसलिए बिजली की रेट कम की जाए। बिजली की रेट इतनी बड़ी रेट है कि हमने कई जगह देखा है कि जो बीपीएल चयनित है उसके भी 3,000 रुपये का बिल आता है। तो अभी सरकार ने जो बजट में घोषणा की वो एक खोखला झूठ है। प्रत्येक उपभोक्ता को 2.5 रुपये यूनिट बिजली खरीदती है और 3 रुपये यूनिट से महंगी बिजली नहीं दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, अगर उक्त मांगों पर सरकार गौर नहीं करेगी तो आगे और आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और ऐतिहासिक लड़ाई लड़के और सरकार को मजबूर करके इन मांगों को मनाया जाएगा। सीकर एनएसयूआई के सुधीर प्रताप सिंह ओला के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश प्रभारी गुरजोत सिंह सिद्धू, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का सीकर एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुधीर ओला को कोरोना महामारी के दौरान की गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष तनसुख ओला, यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष साबिर पठान, नरेंद्र चौधरी, आकाश कुमावत, हेमंत गोदारा, सोनू चौधरी, पवन राव, महेंद्र कसवा, मेघराज मीणा, मनीष, राहुल यादव, मदन गोस्वामी, प्रदीप ओला, राजू सैनी, असलम एजाज खान आदि अनेक एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू जिले में 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान 3 दिनों तक चलाया जाएगा। सीएम जो छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि अभियान में 5 साल तक के 2,65,285 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। जिले में 1530 बूथ बनाए गए हैं जहां पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पोलियो दवा के प्रति जागरूकता के लिए शुक्रवार को नर्सिंग स्टूडेंट्स और सीएचए की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सीएमएचओ ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मंडावा रोड, जिला परिषद सर्किल, बस डिपो, बीडीके अस्पताल तक निकाली गई। इस अवसर पर आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम जांगिड़, यूपीएम सीआरएम पूनिया, आईईसी समन्वयक डॉक्टर महेश कड़वासरा, आशा समन्वयक संजीव महला, नर्सिंग ट्यूटर रमाकांत पारिक भी मौजूद रहे। नोडल अधिकारी व आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी वैक्सीनेटर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने 27 फरवरी को सभी स्कूलों को खुला रखने के निर्देश दिए हैं। पोलियो अभियान के तहत आज झुंझुनू जिले में नर्सिंग छात्रों के माध्यम से रैली निकाली गई है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि सभी को 5 साल से छोटे बच्चे उनको पोलियो पिलाया जा सके। रैली में हमारे आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद जी, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम जांगिड़ जी भी साथ रहे और ये अभियान लगातार 3 दिवस तक 27, 28 और 1 मार्च को रहेगा और 3 दिवस के अंदर प्रथम दिन में बूथ लेवल पर ही पोलियो पिलाया जाएगा और अगले 2 दिन घर घर जाके पोलियो पिलाया जाएगा। इसके लिए हमने समस्त तैयारियां कर ली हैं। जिले में 1562 बूथों पर पोलियो पिलाया जाएगा और 2,60,000 बच्चों को पोलियो की डोज पिलाई जाएगी। यूक्रेन और रूस
की जंग से झुन्नू में चिंता बढ़ गई है। झुन्नू के बहुत से छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में है। जब से माहौल खराब हुआ है तब से परिजनों में चिंता बढ़ गई है। अब परिजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को भारत लाया जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। झुन्नू के फूलचंद ढेवा बताते हैं कि उनका पोता और एक दोईती यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत चिंता हो रही है, अब बच्चों को खाना भी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। फूलचंद ढेवा बताते हैं कि अर्जुन के यूक्रेन से आने की टिकट कंफर्म हो गई थी, लेकिन एन वक्त पर फ्लाइट रद्द होने से उसे वापस यूक्रेन में ही रुकना पड़ा। अब हर पल मुझे चिंता सता रही है, रात को फोन पर बात हुई थी, युद्ध शुरू होते ही राशन की भी कमी आ गई है। रात को बताया कि कमरे में 5-7 छात्र हैं, उन्हें एक प्लेट चावल की दी गई है। माहौल खराब हो गया है, बच्चे धमाकों के भी वीडियो भेज रहे हैं, इससे और भी चिंता बढ़ गई है। टीवी पर आ रहा है रूस की सेना वहां घुस गई है। बाकरा फाटक के पास रहने वाले अर्जुन ढेवा की मां रश्मि हर किसी से अपने बेटे की सकुशल सलामती की गुहार लगा रही है। मां रश्मि ने बताया कि अर्जुन गुरुवार को फ्लाइट से यूक्रेन से भारत आने वाला था, लेकिन आन वक्त पर फ्लाइट रद्द होने के कारण उसे भारतीय दूतावास में रुकना पड़ा। गुरुवार सुबह से लगातार वो उससे हालचाल पूछ रही है। अर्जुन के दादा फूलचंद ढेवा ने बताया कि अर्जुन 4 साल से यूक्रेन में MBBS कर रहा है। कुछ दिनों पूर्व तक शांति होने से कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन अब यूक्रेन पर हमला होने से परिजनों की बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह सभी भारतीयों को जल्द से जल्द अपने देश लेकर आए। ढेवा की दोहिती बड़ागांव निवासी प्रकृति भालोटिया पुत्री अनिल भालोटिया भी पिछले 3.5 महीने से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। उसकी भी गुरुवार को फ्लाइट से आने की टिकट कंफर्म हो गई थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण उसे भी वहीं रुकना पड़ा। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में आमजन के साथ ही किसान भी अब चोरों के निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। किसानों के खेतों में पड़े सामान पर भी चोरों की नजर दिखाई दे रही है। 4 किसानों के खेतों पर घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वार्ड 25 में फ्रंट रोड पर 4 किसानों ने हजारों रुपए के विद्युत सामान पर से हाथ साफ किया है। वार्ड 25 के किसान श्रवण कुमावत, भागीरथ सैनी, श्रीकांत सैनी के खेतों के साथ ही आगे गोपीनाथपुरा गांव में संदीप मेघवाल के खेत से अज्ञात चोर विद्युत केबल, मोटर स्टार्टर, सोलर केबल सहित अन्य विद्युत उपकरण चुरा कर ले गए। शुक्रवार को किसान अपने खेत में पहुंचे तो उन्हें वारदात का पता चला। चोरी के शिकार एकत्रित होकर सूरजगढ़ थाने पहुंचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। इस नंबर वार्ड के ऊपर 3 कुआ बढ़ाए हैं कि रास्ते के ऊपर फटकानी दो सड़क जाए, उनके ऊपर पहले कुआ है जो हरि सिंह डॉक्टर को, उनके ऊपर भाव है उन्हें मुन्ना राम श्रीकांत सैनी और उनको ऊपर स्टार्टर तोड़ दियो, केबल काट लेगा उस आगा बगा राम सैनी को, उनको 100 प्लेट ला रही, उनकी केबल काट ली और प्लेटा की 100 वायर काट लिया। बादशाह मेरे श्रवण कुमार को कुओ उनको कंट्रोलर ला रहे हो और केबल ला रही, केबल काट लेगा 100 प्लेटा को वायर काट लेगा। आगे जाके डाणिया वह मेघ वाला की हूँ डाणी का मैं से ग्राम मोटर पड़ी थी पालेगा। 3-4 जगह तोड़ी हो गई है। हाँ, 3-4 जगह है कि रूट के ऊपर। आपने पुलिस को सूचना दे दी? अब जा रहे हैं पुलिस के पास। युग प्रवर्तक आचार्य श्री महाश्रमण आज चुरू में अपनी धवल सेना व साधु साध्यों के साथ में मंगल प्रवेश किया। चुरू आगमन पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, सर्व समाज के लोगों ने, राजनीतिक दलों ने उनका अभिनंदन किया। आचार्य श्री जुलूस के रूप में दादाबाड़ी में जैन स्मारक पहुंचे। जुलूस में हजारों की संख्या में विद्यालय के छात्र छात्रा, जैन समाज के लोग उनके साथ चल रहे थे। विभिन्न प्रकार की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। लोग आचार्य महाश्रमण के द्वारा किए जा रहे अहिंसा यात्रा और नशा मुक्ति के कार्यों की चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने जगह जगह रुककर लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की तथा प्रबुद्ध लोगों ने आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया। जुलूस में शहर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे और जिन शासन जिंदाबाद, आचार्य महाश्रमण जिंदाबाद के नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। आचार्य श्री महाश्रमण जैन श्वेतांबर स्कूल जुलूस के रूप में पहुंचे। तत्पश्चात शासन सेवी से झूमरमल बछावत ब्लॉक का लोकार्पण किया गया तथा लोकार्पण कर इसे जैन श्वेतांबर स्कूल को समर्पित किया गया। तत्पश्चात जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आचार्य श्री महाश्रमण का स्वागत गान के माध्यम से अभिनंदन किया। इस अवसर पर विभिन्न समाज के लोगों ने आचार्य श्री के सम्मुख अपने विचार रखे तथा उनका स्वागत किया। जैन समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा मंगल गीत का वाचन किया गया। अपने मंगल प्रवचन में आचार्य श्री महाश्रमण
रमन जी ने कहा कि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, सदात्मा और दुरात्मा। सदात्मा व्यक्ति वो होते हैं जो सत्कर्म करने वाले होते हैं और दुरात्मा वो व्यक्ति होते हैं जो भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं। समाज का कायाकल्प सदाचारी व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशा नाश का द्वार है, हमें सभी प्रकार के नशों से बचाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी के लोगों को संस्कारित करना चाहिए। उन्होंने समाज के सभी लोगों के लिए संस्कार को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, समाज में सद्विचार फैलने से समाज और राष्ट्र सबल बनता है। सामने आ रहा है तो सूर्य को हमारा एक ऐसा दर्शन का क्षेत्र है जहां आचार्य भिक्षु भी पधारे, आचार्य भिक्षु भी पधारे थे, किसी प्रसंग ने पधारे थे और गुरुदेव कृष्ण ने तो प्रतिमास किया दिखाया। आज हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में बच्छाउत जी ने एक इंग्लिश मीडियम को बाल विहार को भव्य भवन चार मंजिला बना के दिया। इसके लिए आज महाशर्मन जी के पावन सानिध्य में लोकार्पण हुआ है, जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसमें चार मंजिलों में विद्यार्थी पढ़ेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद जांगिड़, प्रधानाचार्य हिंदी माध्यम। चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को सीकर शहर में कार्रवाई कर खाद्य वस्तुओं के चार सैंपल लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत एफएसओ रतन गोदारा व मदन लाल बाझा ने शुक्रवार को दूध डेयरियों पर कार्रवाई की और गाय के दूध का सैंपल लिया। सभी सैंपलों को जांच के लिए जयपुर स्थित खाद्य प्रयोगशाला जयपुर में भेजा गया। एफएसओ रतन गोदारा ने बताया कि आनंद नगर स्थित पारस डेयरी, श्याम डेयरी और जगमालपुरा रोड स्थित रशीदपुरा डेयरी व शिव डेयरी के यहां से जांच के गाय के दूध का सैंपल लिया गया।